तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर करता हूँ हमारे अपने चैनल वॉइस ट्रैवलर 2.0 पे एक बार फिर से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि लेके आऊंगा MI TV 4 के ऊपर कुछ वीडियोस, तो फर्स्ट वीडियो मैं कर रहा हूँ आज और इसके बारे में बता रहा हूँ पूरा। आज हम करेंगे कैसे आपको इथरनेट केबल को कनेक्ट करना है सीधी, और बाय स्विच से कैसे आप उसको इंटरनेट पास थ्रू कर सकते हैं अपने लैन केबल को। और बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है यार दोस्तों। जिन जिन लोगों ने मेरे से इसके बारे में सवाल पूछा था तो जाकर के नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि आपका सोल्यूशन सॉल्व हुआ कि नहीं मेरे को पता चल जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक नई वीडियो फिर से ले आऊंगा, पर अभी के लिए पूरी वीडियो देखो, टिल दी एंड तक देखोगे तब भी समझ पाओगे कनेक्शन को। तो देरी ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए, तो जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरी इथरनेट केबल जो मेरा बाहर राउटर लगा, क्योंकि स्टूडियो के अंदर राउटर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, वो मेरे कमरे के बाहर लगा हुआ है। तो वाया वहां से मैं बहुत ही बड़ी केबल लेके आ रहा हूँ। अगर आपको दिखाना भी चाहना तो यार दोस्तों, ये देख सकते हो इतना बड़ा बंडल है, मतलब कि इतनी मेरी तार लग रही है, इतनी दूर से मैं इसको लेके आ रहा हूँ। जिन जिन लोगों की अगर डोर और आउटर और वो भी ऐसे करना चाहे तो थोड़ी सी लंबी तार बनवा करके आप यहाँ तक ला सकते हैं। ये तो मैंने खुद ही बनाई है, तो अगर आप कहोगे ना कभी वीडियो बनाने के लिए कि इसके ऊपर कैसे इसको बनाते, तो वो भी मैं आपके लिए ले आऊंगा। पर अभी के लिए ये मेरी इथरनेट की तार है और ये RJ45 का कनेक्टर जो मेरे टीवी के पीछे है उसके अंदर हम लगा देंगे डायरेक्ट, और उससे कनेक्ट भी हो जाएगा। तो और अगर उसके बाद मैं आपको उसकी स्पीड भी चेक कराऊंगा कि कितनी स्पीड जैसे आ रही है टीवी के अंदर। और ये है मेरा स्विच जो है DigiSol की तरफ से कंपनी का स्विच है, ये फास्ट इथरनेट का स्विच है, देख सकते हैं फास्ट इथरनेट का स्विच है DigiSol की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं 8 कनेक्शन आप यहाँ पर 8 लैन का लगा सकते हैं, अपनी केबल 8 कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग होगी आपकी 8, और ये अभी पावर दे रखी है इसको, तो पावर ऑन आ रही है, तो इसको तो रख देते हैं अभी साइड पे। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे ले जाता हूँ टीवी के और वहां पर लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे टीवी के कनेक्शन और ये है हमारा नेटवर्क कनेक्शन जहाँ पर लैन केबल लगेगी। ये देखिए मैंने आपके सामने यहाँ लगा दी लैन केबल को, और अब आगे की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी 7 मोड पे था, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको सेटिंग में जा करके दिखाऊं तो यहाँ पर इथरनेट कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ लिखा देख रहे हैं इथरनेट कनेक्टेड। और अगर मैं बैक भी चला जाऊं ना तो यहाँ पर मेरा साइन आ रहा है इथरनेट कनेक्टेड करने का। इसमें मुझे कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ लगाता हूँ और साथ में इथरनेट मेरा कनेक्ट हो जाता है। अगर इन केस आपको लगता भी इसकी कहीं पर सेटिंग करने को, आप इसके अंदर जा करके नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर जाकर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस टाइम मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, वो मेरी इथरनेट केबल चल रही है। आपको वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपका ये अपडेटेड वर्जन है, जैसे कि मेरा अपडेट हो रखा है 2.0 में, और यहाँ पर इथरनेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। अभी आपको मैं स्पीड भी टेस्ट करा के दिखा देता हूँ कि इथरनेट कनेक्ट करने से हमें कितनी लगभग स्पीड मिल जाती है। ये इसके अंदर इसका खुद का प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड कर रखा है इंटरनेट स्पीड टेस्टर, तो फाइबर टेस्ट के लिए स्पेशली है, तो मैं आपके सामने टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों मेरा 70 MB पर सेकंड का प्लान, और यहाँ पर देख मैं 68.3784 लगभग 70 चला ही गया, 70 MB पर सेकंड मेरा प्लान आ चुका है। और ऊपर आपको दिखा सकते हैं कि आप यू कैन स्ट्रीम यहाँ पर HD क्वालिटी HD फुल HD 4K तक आप स्ट्रीम कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे पिंग चेक कर सकते हैं 59.80 ms, और जिटर चेक कर सकते हैं 1 ms, और यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड भी मेरी 74.23 आ रही, मतलब लगभग की एवरेज अगर लगा रहे हैं तो 70 MB पर सेकंड का मेरा प्लान है, तो पूरा 70 MB पर सेकंड स्पीड आ रही है, और 70 से अबव मेरी अपलोडिंग स्पीड आ रही है इस टाइम पे। तो अगर ये तो अभी मैंने डायरेक्ट केबल चेक की थी, और यहाँ पर मेरा नेट प्लस का ब्रॉडबैंड है, तो नेट प्लस ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये कनेक्टेड था, तो पूरा दिख कर आता है। तो अभी तो ये डायरेक्ट था,
कनेक्टेड, तो मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा दिया। यहाँ पर इथरनेट मेरा पूरा कनेक्टेड आपको दिखा दिया मैंने। यहाँ पर ये है मेरा इथरनेट का साइन बना आ रहा है, वाईफाई आता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं आपको हटा के भी दिखाता हूँ, और वाईफाई अगर मेरा कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से केबल हटा दी आपके सामने जो लगाई थी, नो इंटरनेट टर्न ऑन योर हॉटस्पॉट, मतलब कि वाईफाई कनेक्ट करने को कह रहा है। और ये देख सकते हैं वाईफाई का निशान आ गया, वाईफाई मेरा कनेक्टेड हो चुका है इसका मतलब। और यहाँ पर वाईफाई की अगर आपको स्पीड एक बार टेस्ट करा दूं ना मैं, तो आप देखो वाईफाई की भी स्पीड टेस्ट करते हैं हम। तो देखा दोस्तों वाईफाई के थ्रू मेरी 33.9 MB/s डाउनलोड स्पीड आ रही है। तो आप कितना डिफरेंस देख सकते हैं, एक 70 MB/s और सीधा ही 33 पे, मतलब एक 30 और एक 70, 40 MB का लगभग डिफरेंस आ रहा है। और अपलोडिंग सिस्टम अपलोडिंग स्पीड जो आप देख रहे थे कि जैसे उसमें भी फर्क आ रही थी, यहाँ 33.9 है तो यहाँ पर 34.52, यहाँ पर 1 MB/s का फर्क आया ज्यादा, और वहां पर 4 to 5 MB/s का फर्क आ रहा था लगभग। तो यहाँ पर एवरेज आप इसमें भी HD फुल HD 4K स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ब्रॉडबैंड भी वही है, और यहाँ पर 57.3 MS की पिंग आ रही है और 1.1 MS का वो जिटर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि वाईफाई की स्पीड कितनी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जब हम लैन केबल को कनेक्ट करते हैं। तो लैन केबल कनेक्ट करना ज्यादा सक्सेसफुल है ज्यादा स्पीड लेने के लिए। तो अभी तो मैंने आपके सामने लैन केबल उतार रखी थी, ठीक है। तो अभी हम इसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। यहां पर मैं अब आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। तो ये देखिए मैं इसको सबसे 1 नंबर पोर्ट में कनेक्टेड कर रहा हूँ यहाँ पर अपने, यहाँ पर आप ही के सामने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक कोर इथरनेट केबल है, लैन केबल है, जिसको मैं पीछे भी कनेक्ट करने वाला हूँ अपने। यहाँ मैंने पीछे कनेक्ट करके उसको यहाँ से लेके आया, और आप ही के सामने देख रहे होंगे ये मेरा 1 नंबर पे कनेक्टेड है, जो मेरी मेन सप्लाई आ रही है फाइबर से नेट से। और ये स्विच है, स्विच के थ्रू मैं इसको पास करवा रहा हूँ। तो ये मैंने इसके इस नंबर सेकंड पे लगा दिया। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से मतलब इसको देख पा रहे होगा ना, तो इसमें आपको ब्लिंकिंग नजर आ रही होगी लाइट की। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूं इसको। तो ये देख सकते हैं नंबर, ये मेरी पावर ऑन है, यहाँ 1 पे मेरा वो इंटरनेट कनेक्शन जो मेरी पीछे से सप्लाई आ रही फाइबर से, और 2 पे मैंने लगाया जो इसके साथ कनेक्टेड की है, ठीक है ना दोस्तों। और अब जैसे कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ना, अब आपको मैं बाहर जाके दिखाऊं। देखा वाईफाई का निशान उस टाइम हट जाता है, जैसे ही लगाओ उसी टाइम आ जाता है। जो भी लोग का कनेक्शन कहते हैं कि मतलब कनेक्शन करने पर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, सीधा प्लग करो साथ में ही आ जाता है, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। अगर आती भी है तो नेटवर्क सेटिंग से जाके अपना वाईफाई को स्विच ऑफ कर देना, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके इथरनेट पे, अगर आपका इथरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी तो इथरनेट कनेक्टेड हो गया मेरा, मतलब इथरनेट चल रहा है। तो अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं, क्योंकि पास करा रहे हैं इस टाइम पे हम डायरेक्ट सप्लाई फाइबर से नहीं लेके के स्विच से ले रहे हैं, सप्लाई को पावर को यहाँ पर लगा करके एक्स्ट्रा स्विच को हम पास करा रहे हैं दूसरे इथरनेट केबल पे स्विच के थ्रू, एक लैन टू दूसरे लैन पे पास करा रहे हैं स्विच के थ्रू। तो अब हम चेक करते हैं इसकी स्पीड कितनी आ रही है। तो करते हैं स्टार्ट, इसका भी डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि कितना वाईफाई में डायरेक्ट लैन में और एक स्विच के थ्रू कितना डिफरेंस आता है। तो देखा दोस्तों इस टाइम पिछली बार जब हम डायरेक्ट सप्लाई टेस्ट की थी तब हमारा 69.7 का रहा, इस टाइम 70.19 पूरा MB/s आ गया, और 73 यहाँ पर 1 MB घट गई, वहां पर 1 MB ज्यादा थी,
74 थी, यहाँ पे 73.81 हो सकती। तो देख सकते हैं कि अगर हम स्विच के थ्रू भी लगा रहे हैं तो मतलब कि हमारी जो ट्रांसफर भी हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है स्पीड का, बिल्कुल इक्वली एवरेज टेस्ट हो रही है, बिल्कुल 70 MB/s। अगर मेरा प्लान है तो डायरेक्ट से भी 70 MB/s स्पीड आ रही है, और अगर मैं स्विच के थ्रू भी पास करवा रहा हूँ तो तब भी 70 MB/s ही स्पीड आ रही है मेरी। तो इससे पता चल जाता है कि ईथरनेट केबल से हमारी स्पीड एक तो ज्यादा आती है, प्लस हम अगर पास भी कराते हैं एक स्विच के थ्रू तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी का कनेक्शन दूर है, किसी राउटर आपके कमरे से बाहर है, या एक मतलब टीवी वहां पर आपके पास नहीं है, तो अब आप उसको स्पीड ज्यादा देने जाते हो या आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो स्विच के थ्रू पास कराओ, स्पीड में कोई अंतर नहीं आने वाला। स्विच के थ्रू पास करो और उससे आप इंटरनेट अपना एक्सेस करते हो। जैसे कि मैं अभी अगर आपको कुछ चला कर भी एक आधी वीडियो दिखा दूं, यहाँ पर यूट्यूब में ले जाऊं और वहां पर हम कुछ भी चला करके आपको एक आधी वीडियो दिखाते हैं, जैसे कि तो सर्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो देख सकते हैं दोस्तों कोई मतलब सर्फिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम से क्लियर आपके सामने बिल्कुल। अगर इसको हम हाई भी एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, फुल HD में क्वालिटी, फुल HD थी, 1080 पे मैंने कर दिया एक बार, और देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसी सर्फिंग करने में मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो बहुत ही अमेजिंग ये कनेक्शन है एक तरह का। तो आप बड़ी इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं अपने घर में, मैंने आपको करके दिखा दिया है पूरा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आपको पूरा कनेक्शन चेक करवा दिया, पूरी स्पीड टेस्ट करा करके दिखा दी कि इसको किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, बाय स्विच से, बाय डायरेक्ट सप्लाई से, डायरेक्ट मेन राउटर से भी अगर मैं लेके आता हूँ इथरनेट को तो कितनी स्पीड आ रही है, वाईफाई के थ्रू कितनी स्पीड आ रही है, तो एक स्विच के थ्रू कितनी स्पीड आ रही है, और स्विच का कनेक्शन कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो के अंदर एक इतना था कि आपको पूरी स्पीड टेस्ट करके दिखाई, प्लस आपको राउटर से और स्विच से कैसे आपको इंटरनेट कनेक्ट करनी है ये बता दिया। तो अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आने वाली ग्रेट ग्रेट नोटिफिकेशन को देखने के लिए बेल आइकन दबा दो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, क्योंकि अमेजिंग अमेजिंग MITV की कनेक्शंस के बारे में बताता रहूंगा। आने वाले समय में आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से इसके सब कनेक्शंस होंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे आपने मेरे को पूछा भी है वो भी सब चीजें लेके आऊंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अभी के लिए मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया, कैसे इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ टेस्ट करवा के दिखा दिया है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल वंशावला 2.0 पे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, कोरोना फैल है दोस्तों, कोरोना से बचे, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय एंड जय हिंद। 2.0